सो केम छो गाइस, आज इस वीडियो में हम देखेंगे एक ऐसा मंदिर जो आपको भारत में कहीं और देखने नहीं मिलेगा। ये है विश्वंभरी टेंपल। कल हमने सबसे पहले तड़केश्वर महादेव के दर्शन किए, तो अभी तक आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। तो मंदिर में दर्शन करने के बाद मैं आ गया हूँ वापस बाहर। तो अभी मुझे यहाँ से जाना है विश्वंभरी टेंपल में, जो यहाँ से 14 किलोमीटर डिस्टेंस पे, लेकिन यहाँ से कैसे जाना है कुछ आइडिया नहीं है। तो शायद हम लोग को यहाँ से बस मिल जाए या ना मिले, अभी फ़िलहाल मेरे को कुछ पता नहीं है, या फिर मुझे वापस वलसाड बस स्टैंड है वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोई आता है तो मैं उसको पूछता हूँ, और कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलता है तो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो थोड़ी देर पहले यहाँ पर मुझे भाई मिले जिनको मैंने बताया कि मुझे विश्वंभरी जाना, तो उन्होंने बताया कि विश्वंभरी तक आपको जो है रिक्शा नहीं मिलेगा यहाँ से। तो यहाँ से जो आपको सबसे पहले अतुल का जो ब्रिज है उसके नीचे उतरना पड़ेगा, और वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे एक रास्ता है, और उन्होंने बताया कि वहाँ से रिक्शा मिलेगी नहीं मिलेगी उनको भी पता नहीं था, बट अभी देखते हैं यहाँ से रिक्शा मिलते तो हम लोग जो है अतुल का ब्रिज है वहाँ पर उतरेंगे, और वहाँ से क्या ऑप्शन मिलता है जाने के लिए देखते हैं। ₹20 पर पर्सन के हिसाब से जो है लेके जाते हैं, शेयरिंग में जाएगा। अब प्राइवेट में जा सकते हो लेकिन शेयरिंग में लेके जाने तो फिर पैसा बचता है अपना, वो इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं सीधा अतुल ब्रिज पे। जब आप वलसाड से विश्वंभरी की ओर जाओगे तो आपको बीच में पानेरा हिल देखने मिलेगा, जहां पर आप माता जी के दर्शन कर सकते हो। इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, ऊपर आई बटन में इसके लिंक मिल जाएगी, तो आप वहां पर जाकर वीडियो देख सकते हो। अब मुझे यहां से जाना है विश्वंभरी मंदिर शेयरिंग ऑटो में। तो मैं अतुल ब्रिज के यहाँ पे जहाँ पे उतरा था तो वहाँ पे बहुत सारे रिक्शा वाले थे, तो उन्होंने बताया कि आपको प्राइवेट में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि शेयरिंग में जाओगे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा 1-2 घंटा, क्योंकि ये जो मंदिर है बहुत ही अंदर है तो कम पैसेंजर आते जाने के लिए। बट मैं थोड़ा सा बाहर आया तो यहाँ पे ऑटो मिल गया मुझे शेयरिंग में जाने के लिए, नसीब था मिला मेरे को। सो 15-20 मिनट का ट्रैवल करके मैं पहुंच गया मंदिर के पास। तो मैं उतर गया हूँ मंदिर के एंट्रेंस के यहाँ पे। तो यहाँ पीछे वाला जो ये रास्ता देख रहे हो, तो यहाँ से हमें अंदर जाना है। गेट से आप जैसे अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पर लेफ्ट और राइट में बहुत सारी जगह मिल जाएगी, जहाँ पर आप अपने प्राइवेट व्हीकल जैसे कि कार, बस, बाइक लेकर आते हो तो यहाँ पर पार्क कर सकते हो, जिसका कॉस्ट कुछ इस प्रकार है। तो यहाँ पर इस मंदिर का मेन गेट जहाँ से आपको अंदर जाना है, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे एक बोर्ड है जहाँ पर इस मंदिर का टाइमिंग लिखा हुआ है, और यहाँ राइट हैंड साइड पे आपको जो है बहुत सारे शॉप देखने मिलते हैं जहाँ से आप नाश्ता कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर ही सकते हो। तो हम लोग जो है बाद में जाएंगे वहाँ पर, पहले मंदिर में जाते और दर्शन करते। तो मैं पहुंच तो गया हूँ मंदिर के पास, मेरे पीछे ही जो है आप जैसे कि देख पा रहे हो तो वहाँ पर ही है मंदिर। तो मंदिर के अंदर जो है हम लोग शूट नहीं कर सकते। एंड गाइस, यहाँ इस मंदिर के आसपास का एरिया बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, और मंदिर के बाहर और भी कई सारी चीज़ें जो आप देख सकते हो। तो पहले जाते हैं मंदिर के अंदर, दर्शन करते और उसके बाद जो है यहाँ आसपास आपको क्या क्या चीज़ें देखने मिलती है वो देखते हैं। विश्वंभरी मंदिर जो गुजरात के वलसाड डिस्ट्रिक्ट में राबड़ा गाँव में स्थित है। ये जो विश्वंभरी मंदिर है, इस मंदिर की हर एक सीढ़ी पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है जो आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, जो आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। कई साल पहले यहाँ इस गांव में 17 साल के श्री विट्ठल भाई रहा करते थे। उनका एक ही लक्ष्य था कि समस्त देवी देवताओं में परम शक्ति कौन है यह जानना और उनका दर्शन पाना। इसीलिए उन्होंने परम शक्ति के दर्शन की मनोकामना की, और ये मनोकामना इतनी प्रबल और सच्चे दिल की थी, माँ ने उनकी कठिनतम 16 प्रकार की कसौटी ली जिसको वो पार कर गए। इतना ही नहीं, माँ ने उनकी एक और बड़ी परीक्षा ली। माँ एक 18 वर्षीय मोहिनी का रूप लेकर आए जो उनके चरित्र की अग्नि परीक्षा थी, जिसमें वे पवित्र रहकर उत्तीर्ण हुए। यह देखकर माँ विश्वंभरी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और कहा
विश्व कल्याण के परम कर्तव्य की जिम्मेदारी सौंप कर उन्हें मानव श्रेष्ठ घोषित कर महापात्र के नाम से नवाजा। इस दौरान श्री महापात्र जी ने माँ को उनकी पहचान के बारे में पूछा। तब माता ने कहा, मैं अनंत ब्रह्मांड की रचयिता ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न करने वाली शक्ति हूँ। मैं इस समग्र सृष्टि की सर्जनहार कर्म की देवी भाग्य विधाता माँ विश्वम्बरी हूँ। माँ ने एक और संदेश दिया, अंदर श्रद्धा छोड़कर घर की ओर वापस लौटो और घर को ही मंदिर बनाओ एवं सत्य धर्म और कर्म की सर्वोच्च शिखर पर स्थापना करो। उसके बाद महापात्र जी उसी मार्गदर्शन पर चल पड़े और ये जो विठल भाई है आज भी खेती का काम करते हैं और साधारण सा जीवन जीते हैं। महापात्र जी ने क्षेत्र रबाड़ा गांव में पार नदी के तट पर एक अद्भुत और अलौकिक माँ विश्वम्बरी तीर्थ यात्रा धाम का निर्माण केवल 90 दिनों में किया। यह धाम जात पात पंथ संप्रदाय के किसी भी भेदभाव से परे। तो मंदिर में दर्शन करने के बाद मैं आ गया हूँ वापस बाहर और फिलहाल जो है बाहर बारिश भी हो रही है और इस मंदिर के ऊपर ही जो है एक गुफा बनाई गई है। उस गुफा के अंदर जो है एक बड़ा सा शिवलिंग है, वो भी देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। तो अगर आप आते हो यहाँ पर तो इस विश्वम्बरी मंदिर में ज़रूर आना और दर्शन करना। अंदर का एरिया मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि अंदर जो है शूट करना मनाही है। मंदिर के बाहर आपको बहुत सारी जगह मिल जाती है जहाँ पर आप बैठकर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो आप मंदिर से जैसे ही बाहर आओगे तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ा सा आगे जाओगे तो यहाँ पर है गोवर्धन पर्वत। तो यहाँ गोवर्धन पर्वत के सामने जो है यहाँ पर एक आपको सेंटर देखने मिलता है जहाँ पे आपको लस्सी और छाछ मिलेगी। लस्सी का कॉस्ट है 50 रुपीज़ और छाछ 10 रुपीज़। तो यहाँ पे कुछ बच्चे लोग मिले मुझे जिन्होंने यहाँ पे उन्होंने जो यहाँ पे लस्सी पिया। तो कैसा था लस्सी? जबरदस्त था। कहाँ से आए आप लोग? सचिन से आए। ओके, और कैसा लगा यहाँ पर? बहुत अच्छा। फर्स्ट टाइम? नो, सेकंड टाइम है। थैंक यू। थोड़ा सा आगे जाने के बाद आपको यहाँ पर पानी की भी व्यवस्था मिल जाती है और एक आयुर्वेदिक औषधालय भी बना हुआ है। थोड़ा सा आगे जाने के बाद आपको राइट हैंड साइड पे एक कार्यालय भी देखने मिलता है। इस मंदिर में जगह जगह पर श्री विट्ठल भाई के विचारों को लगाया गया है। तो अभी हम आगे जाएंगे पंचवटी देखने के लिए और आगे एक वैकुंठ धाम भी है जो कि एक गौशाला। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे है गौशाला जिसे वैकुंठ धाम कहा जाता है। तो थोड़ी देर पहले मैंने जिनकी बात की थी विठल भाई, तो वो विठल भाई यहाँ इस गौशाला के अंदर ही जो है बैठे हुए हैं, लेकिन मैं अंदर नहीं जा सकता, उनसे नहीं मिल सकता। एक्चुअली मुझे यहाँ इस गौशाला में आने के लिए अलाउड नहीं था और जिनके बारे में मैंने बताया था विठल भाई के बारे में, तो उनसे मिलना मुझे अलाउड नहीं था। बट यहाँ पे एक शॉप था तो ये भाई है वो। आपका नाम? धवल। धवल, तो धवल भाई ने बोला कि चलो मैं आपको मिलाता हूँ और यहाँ पे गौशाला के लिए जो शूट करना था तो इन्होंने मुझे अलाउड करके दिया। गौशाला के अंदर सारी गायों को अच्छे से रखा गया था। गायों के लिए पीने का पानी था, वो भी बहुत ही ज़्यादा स्वच्छ था। गायों की सेवा के लिए यहाँ पर पंखे भी लगाए गए थे, साथ में मच्छरों को मारने की मशीन भी लगाई गई थी। सारी गायों को नाम भी दिया गया था। इस विश्वम्बरी टेम्पल में जितने भी लोग सेवा करते हैं वो लोग यहाँ पर एक झाड़ का
पत्ता जैसे ही गिरता है तो उसे भी उठा लेते हैं। इतनी ज्यादा स्वच्छता यहाँ इस मंदिर में आपको देखने मिलती है। तो अगर आप भी जाते हो इस मंदिर में दर्शन करने के लिए तो यहाँ वहाँ कचरा ना डाले। गौशाला देखने के बाद मैं गया थोड़ा सा आगे, जहाँ पर हम देखेंगे पंचवटी। यहाँ पर आपको देखने मिलता है कैसे श्री राम जी ने 14 साल वनवास में साधारण सा जीवन जी रहे थे। इसी जीवन को यहाँ पर दर्शाया गया था। मंदिर के बाहर की साइड आपको एक आर्टिफिशियल हाथी भी देखने मिलता है, जो देखने में बहुत ही ज्यादा रियल लग रहा था। तो इन सारी जगहों को देखने के बाद धवल भाई ने मुझे यहाँ पर स्टॉल पे नाश्ता भी करवाया। तो मैंने लिया था मेथी की भजी, जो खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी थे। अगर आप आते हो तो यहाँ पर ये जरूर ट्राई करना। इस मंदिर के बाहर भी आपको बहुत सारे स्टॉल देखने मिलेंगे, शॉप देखने मिलेंगे, जहाँ पर आपको कुछ खाना है तो यहाँ से खा सकते हो, या फिर शॉपिंग करना है तो यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हो। अगर आप इस मंदिर के लाइव दर्शन करना चाहते हो, आरती अटेंड करना चाहते हो, तो इनकी वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हो। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर पे फॉलो करना है तो आप वो भी कर सकते हो, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप वहाँ पर जाकर फॉलो कर सकते हो और विश्वंभरी माता के लाइव दर्शन और लाइव आरती का भी लाभ ले सकते हो। विश्वंभरी मंदिर एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अलौकिक मंदिर है। अगर आप भी आना चाहते हो इस मंदिर में तो इस वीडियो के थ्रू आ सकते हो। इस मंदिर का एड्रेस और गूगल मैप का लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप इसके थ्रू आ सकते हो। तो मंदिर में दर्शन करने के बाद मैं आ गया वापस बाहर। तो वहाँ पर जो शॉप में मिले थे मुझे धवल भाई, तो धवल भाई ने मुझे नाश्ता भी करवाया। नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो मैं खड़ा हूँ इस मंदिर के मेन गेट के यहाँ पे। यहाँ से मुझे जाना है अभी वापस वलसाड़, और वलसाड़ से मैं जाऊँगा तीतल। लेकिन यहाँ पर एक ही प्रॉब्लम है, अगर आप आते हो शेयरिंग ऑटो करके, प्राइवेट ऑटो करके, तो आपको जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ऑटो खड़ी रहती नहीं है, आपको जो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो फिलहाल बज रहे दोपहर के 12, तो देखते हैं रिक्शा कभी आता है और कितना देर मुझे जो है यहाँ पर वेट करना पड़ता है। अगर रिक्शा आ भी गया तो मुझे उसमें प्राइवेट जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अकेला हूँ। अगर मेरे जैसे और दो तीन बंदे लोग आ जाए तो शेयरिंग हो जाएगा, नहीं तो फिर अकेले को बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। लेट्स सी क्या होता है।